सुनने वाले सभी श्रोताओं को मैं पुष्पा की ओर से नमस्कार आदाब। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, जय भीम जय भारत। श्रोताओं, हम हफ्ते भरी प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं। श्रोताओं, आज विश्व रत्न भारत रत्न महाविद्वान महानायक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 126वीं जयंती पर विश्व ज्ञान दिवस वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे रेडियो वर्ल्ड ऑफ खालसा की तरफ से। श्रोताओं, आज विश्व के 26 दिन में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है, नॉलेज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारत में कितने लोग समझ पाए, ये एक बड़ा सवाल है। जिस व्यवस्था परिवर्तन के लिए उनका संघर्ष रहा, जिस देश को उन्होंने लोकतंत्र दिया, मानव अधिकार दिए, हजारों वर्षों से चली आ रही गुलामी की परंपरा को तोड़ा, उन्हें वो सम्मान क्या हमारे लोगों द्वारा मिल पाया है, बाबा साहब के मिशन को कितने लोग समझ पाए हैं और क्या था उनका मिशन, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं बुद्धिजीवी डॉक्टर गुरनाम सिंह जी, जो जिन्होंने अपना जीवन देश के मूल निवासियों को हक अधिकार दिलाने में, फुले अम्बेडकर के आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाने में अपना जीवन दिया हुआ है। अपने कर्म के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचाते हैं, लोगों तक विचारधारा पहुंचाते हैं। डॉक्टर साहब आज हमारे साथ रेडियो वॉइस ऑफ खालसा पर जुड़े हैं, तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, रेडियो वॉइस ऑफ खालसा से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी, आपका स्वागत है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे रेडियो वॉइस ऑफ खालसा पर आज बुलाया, जबकि बाबा साहब का पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, तो इसके लिए आपको बधाई भी हो और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि बाबा साहब को इतनी दुनिया मानती है, दुनिया में आज उनकी जयंती मनाई जा रही है, भारत को ऐतिहासिक देन रही है, पर बाबा साहब को कितने लोग समझ पाए, क्योंकि बाबा साहब का जो मिशन था और जिस कारवा को उन्होंने शुरुआत की थी, अगर मैं उस कारवा के बारे में जानूं जो उनका आंदोलन रहा था व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ, आपको क्या लगता वो आंदोलन सफल हो पाया है आज हमारे देश में? हाँ, इसके बारे में मुझे ये कहना है जी कि बाबा साहब का आंदोलन उनके जाने के बाद सफल नहीं हुआ। उसका यही कारण रहा कि जितने भी लोग, वो लाखों में नहीं करोड़ों में पैदा हुए, वो विद्या में भी आए, नौकरी में भी आए, अच्छे घरों में भी आए और उनका जीवन बदला, मगर उनको ना तो स्कूल में, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी में बाबा साहब के जीवन की जानकारी मिली जी। तो उनको जो भी मिला वो उनका नहीं था जी। जिन लोगों ने बाबा साहब के आंदोलन को फेल करने के लिए, कमजोर करने के लिए और उसको मिट्टी में मिलाने का काम किया, वही लोग जो सत्ता में जब आए तो उन्होंने बाबा साहब को पूरी विद्या से माइनस कर दिया और माइनस करने का ये नतीजा निकला कि मेरे जैसा आदमी जो समय का सबसे बड़े पढ़े लिखे लोगों में से एक है, उसको 80 में बाबा साहब का नाम पता चला जी। 35 साल के बाद मुझे बाबा साहब का नाम पता चला जी। तो इसका मतलब तो यही है ना कि बाबा साहब का आंदोलन कैसे चलता, बिल्कुल कहाँ से चलता, बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जिस तरह से परिवर्तन, जिस तरह से सिस्टम पे कब्जा कर लिया गया है और जानबूझ कर जो हमारे महापुरुष होते बाबा साहब को भी पढ़ाया नहीं जाता, वो विचारधारा लोगों तक पहुंचने नहीं दी जाती, आज जब समाज धीरे धीरे सीख रहा है, बाबा साहब की विचारधारा को अडॉप्ट कर रहा है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी, हमें अगर हम इतिहास देखें तो बहुत सारी हमें कमियां नजर आती है। जब हम बाबा साहब को पढ़ते हैं तो बाबा साहब अक्सर कहा करते थे कि मुझे मेरे समाज ने धोखा दिया है, और बाबा साहब को चाहे हम सत्ताधारी लोगों की बात करें, चाहे हम सबरों की बात करें, ब्राह्मणों की बात करें, या फिर हम बहुजनों की बात करें, उन्हें धोखा बहुत मिला है, तो ये किस धोखे की बात करते थे बाबा साहब? हाँ जी, हाँ, बाबा साहब ने ये आगरा में कहा था जी कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। असल बात ये है जी
कि बाबा साहब ने जब कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो इसका एक बड़ा अर्थ था कि बाबा साहब ने अपने जीवन में बहुत सारा पैसा शासकों से लेकर और कई दर्जन लोग जो बाहर पढ़ने भेजे, उनको बाहर दुनिया में अच्छी शिक्षा के लिए भेजा और पैसा भी खर्च किया जी। और जब वो वापस आए तो वो बाबा साहब के आदमी नहीं बने, वो जो जमात रूल कर रही थी, सत्ता में थी, उसी में मर्ज हो गए। ये थी बड़ी बात जो बाबा साहब ने कही कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, क्योंकि तो बाबा साहब चाहते थे कि आदमी पढ़ के आए और जिनको वो सहायता करते थे और उनके दिमाग में थी कि कुछ डॉक्टर बन जाए, कुछ इंजीनियर बन जाए, कुछ अध्यापक बन जाए और वो नौकरी लगने के बाद अपने समाज को कुछ दें, और उनका ये भी ख्याल था कि मुझे भी उनका सहारा मिले ताकि आंदोलन आगे बढ़ सके, मगर वो ऐसा हुआ नहीं जी। इसी वजह से बाबा साहब ने कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मगर वो बात आज नहीं है जी। आज बहुत कुछ बदल गया है हाँ जी, क्योंकि जब बाम सेफ आई आगे आज से 35-37 साल पहले एक वामसेफ संगठन बना बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का, एसटी का और माइनॉरिटीज का, उसका मैं मेंबर हूँ, आज भी मेंबर हूँ जी। और जब से वामसेफ बनी तो वामसेफ की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आज भी पूरे देश में फैली हुई है और पूरी दुनिया में फैली हुई है हाँ जी। और मुझे लगता है कि 1 लाख आदमी आज इसमें काम कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है या थोड़ा काम कर रहा है जी, मगर 1 लाख आदमी काम कर रहा है। आज बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए लाखों आदमी, चाहे वो पढ़े लिखे हैं चाहे वो अनपढ़ है, वो सभी लगे हुए हैं, मगर जो उसके विरोध में है जी, सत्ताधारी है, शक्तिशाली लोग हैं जो जाति तौर पर कब्जा करके जमा कर बैठे हुए हैं, जिनके पास जमीन भी है, जिनके पास बख्तर भी है, जिनके पास दौलत भी है, जिनके पास मंदिर भी है, जिनके पास 25 लाख साधु संत भी है और 1 करोड़ के करीब उनके पास पुजारी हैं, वो उनका प्रचार करते हैं, उनके पास मीडिया है, उनके पास टीवी सेंटर है, उनके पास रेडियो है, उनके पास फिल्म इंडस्ट्री है, उनके पास अखबार है, ये सभी मीडिया टोटल वो पेश नहीं जाने देता जी, ये समस्या है जी। जी डॉक्टर साहब, अगर साहब जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को आज भी हम भारत में देखते हैं तो लोगों द्वारा उनको दलितों का मसीहा कहा जाता है, जबकि उनका जो इतिहास रहा है या उनके जो समाज को दे रही है वो बहुत बड़ी रही है, लेकिन उनको एक पर्टिकुलर शेड्यूल कास्ट या दलितों तक उनको सीमित करके देखा जाता है, तो आपसे जानना चाहूंगी कि उनको दूसरे समाज या अदर कम्युनिटी है या अदर धर्म के लोग ही, क्या उनको भी कोई सामाजिक बलि दे रही है बाबा साहब की? हाँ जी। जो आदमी नीचे के तबके में से बाहर आता है जी, और जो इस व्यवस्था को जो ब्राह्मण ने बनाई है उसको चोट पहुंचाता है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो, चाहे वो पूरी दुनिया का सोचता हो और चाहे वो पूरे भारत का सोचता हो, चाहे वो पूरे भारत के लिए लड़ता हो, ये ब्राह्मण का एक सिद्धांत है कि उसको उसकी जाति के साथ जोड़ दो और पूरा प्रचार उसके पीछे लगा दो जी। और जब वो आदमी अपनी जाति में चला जाए तो वो सिमट जाएगा और दूसरी जातियों के लोग उसको पढ़ना बंद कर देंगे। मैं इसकी उदाहरण देता हूँ आपको जी, आप मेरे से बात कर रहे हैं, मैं आपको संबोधन कर रहा हूँ हाँ जी, कि बाबा साहब ने जब हिंदू कोड बुक लिखा तैयार किया, वो आज यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, वो मैंने देखा है, उसकी रिकॉर्ड मेरे पास है, वो हिंदू कोड बिल देश की औरत को, भारत की औरत को, चाहे वो ब्राह्मण औरत थी, चाहे वो शूद्र औरत थी, चाहे वो अछूत औरत थी, सभी औरतों को वो अधिकार देता था जो ब्राह्मण ने छीन लिए थे जी। जो ब्राह्मण के ग्रंथों में भारत की औरत से पूरे अधिकार छीन लिए थे
हिंदू कोर बिल उसको पूरे अधिकार देता था, वो बिल बाबा साहब के होते पास नहीं किया गया, रोक दिया गया। मगर जब बाबा साहब नहीं रहे तो उसको तोड़ मरोड़ कर पास कर दिया। इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में जब अधिकारों की बात की, जब अधिकार लिखे, फंडामेंटल राइट्स लिखे, तब उन्होंने औरत और मर्द में कोई अंतर नहीं किया। उसने उन्होंने लिखा भारत का नागरिक, नागरिक का अर्थ होता है औरत हो या आदमी हो, चाहे वो हिजड़ा हो, कोई भी हो जो भारत में पैदा हुआ है, उसके फंडामेंटल राइट्स एक बराबर है। जब ये फंडामेंटल राइट्स बुनियादी अधिकार औरत को मिले तो भारत की जो समुची औरत है, जो कम से कम 60 करोड़ है आज भी, वो सबसे कम बाबा साहब को मानती है। हाँ जी, वो बाबा साहब को नहीं मानती, वो मंदिर जाती है, गुरुद्वारे जाती है और कहीं साधु संतों के पास जाती है, मगर बाबा साहब का संविधान कभी उसने ना देखा है ना पढ़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 60 करोड़ तो टूट गए जी, अब बाकी तो आदमी रह गए। हाँ जी, और उन मर्दों में से क्या हुआ कि बाबा साहब को जब महार जाति का आदमी बना दिया गया या चुमार जाति का बना दिया गया, तो जितनी दूसरी जातियां वो टूट गई। ये ब्राह्मण का एक सिद्धांत है, वो सिद्धांत को बनाता है और फिर लागू करता है और पूरे का पूरा प्रचार मीडिया उस सिद्धांत को लागू करने में लगा देता है और वो सफलता पा लेता है। बड़े से बड़ा आदमी भी उसके सामने मिट्टी हो जाता है, उसकी कीमत नहीं रहती। बाबा साहब के साथ ये हुआ। जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब इसके अलावा जो अदर धर्म के लोग हैं, जो अदर चाहे हम पिछले वर्ग की बात करें चाहे आदिवासी वर्ग की बात करें, इनमें बाबा साहब की इतनी चर्चाएं क्यों नहीं होती है जितना शेड्यूल कास्ट में या दलितों के बीच होती है? हाँ, इसका बहुत बड़ा जवाब है कि आदिवासी लोग हैं ना, ये वो एक क्षेत्र में घिर गए जी, उनको इस देश की सरकारों ने घेर रखा है, ये हम जानते हैं। मगर जो पछड़ी जाति का आदमी है, पछड़ी जाति का आदमी 1922 में हिंदू हो गया, जब हिंदू महासभा बनाई ब्राह्मणों ने तो वो हिंदू हो गया। अब हिंदू होने का अर्थ क्या था कि बाबा साहब से टूट गया। हाँ जी, बाबा साहब के गुरु थे जो, वो तो ज्योतिरा फुले थे, वो पछड़ी जाति के थे। जिन लोगों ने बाबा साहब को पढ़ाया वो दोनों राजा सयाजी महाराजा गायकवाड़ और शाहू छत्रपति, दोनों बैकवर्ड के थे। अब मोमेंट जो चली, दादी माँ सुमित्री बाई भी पछड़ी जाति की हो गई। हाँ जी, अब उनकी लहर जब बाबा साहब के पास पहुंची तो ब्राह्मण ने सोचा कि अगर भारत का पछड़ा आदमी अमेरिका के पीछे लग गया तो इसका मतलब है कि भारत में 60 करोड़ आबादी जो है, आज भी 60 करोड़ पछड़ी जाति की आबादी है भारत में। हाँ जी, तो ब्राह्मण जानता था कि अगर इसमें आधा भी अमेरिका के साथ चला गया तो देश में इनकलाब हो जाएगा, 7 करोड़ दल तो जाएगा जी, मगर पछड़ा भी जाएगा, पछड़ा तो उसे 2 गुना 3 गुना है जी। तो इस बहस ही क्या हुआ कि उन्होंने पछड़ी जाति को हिंदू में शामिल कर लिया, और हिंदू में शामिल करने के बाद उनको ये कहा कि तुम तो सुशूत हो, टचेबल हो, और अमेरिका सुशूत है, अनटचेबल है। अब सुशूत का मतलब होता है कि जो आदमी बड़े घरों में ऊंची जाति के लोगों में जाकर उनके घर में काम कर सकता है, कपड़े नीले सी सकता है, बर्तन तैयार कर सकता है, पानी धो सकता है, और उनकी जो जरूरत की वस्तुओं वो तैयार कर सकता है, वो तो टचेबल हो गया जी।
अब टचेबल के दिमाग में ये डाल दिया कि अगर तुम अशूत के पास जाओगे तो हम तुम्हें नहीं लेंगे, हम तुम्हें अपने साथ नहीं चलने देंगे। तो बैकवर्ड कास्ट के दिमाग में ये घुस गया कि हमें तो सचूत रहना ठीक रहेगा, हमें अम्बेडकर से क्या लेना है। ये 1922 के बाद हुआ जी। ये बहुत बड़ा कांड है ये। अब इसका इस पर ही मैं बात करूं तो कम से कम मैं इसी बात पर 2 घंटे बोल सकता हूं जी, मगर बुनियादी बात तो समझ लग गई। हाँ जी बिल्कुल। ब्राह्मण ने ये सोचा कि शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड के आदमी जो इस देश के मूल वासी हैं, अगर वो इकट्ठे हो गए, अगर शाहू महाराज, सयाजी महाराज, ज्योतिराव फूले का आंदोलन आगे बढ़ गया तो डॉक्टर अम्बेडकर तो इंकलाब करेंगे, तो इंकलाब किसके विरोध में था वो जी। वो तो स्पष्ट था कि ज्योतिराव फूले ने कहा कि अंग्रेजी शासक या अंग्रेजी शासन इतना आपके लिए सही है कि इसके होते होते तुम ब्राह्मण से मुक्ति पा सकते हो, ये दादा साहब ज्योतिराव फूले का कथन है जी। मेरा ख्याल ये एक कथन पूरी बात समझा सकता है। हाँ जी बिल्कुल। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को किस तरफ ले जाया जा रहा था उस आंदोलन में जी। हाँ जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब यहाँ पर मैं एक सवाल और रखना चाहूंगी। अभी आपने जिक्र किया है, आपने अछूतों का जिक्र किया, तो जब हम थोड़ा सा इतिहास की तरफ यदि मैं आपका ध्यान लेता हूँ, तो जब हम वर्णों की व्यवस्था की बात करते हैं, वर्ण व्यवस्था की, तो उसमें तो 4 व्यवस्थाएं नजर आती है। जब इसमें से 34 सूत्रों में भी सूत्र 30 सूत्र डिवाइड किया गया, तो ये मसला समझ में नहीं आता कि सूत्रों से भी सूत्र और अति सूत्र ये कैसे निकल के आए। अगर हम अछूतों का इतिहास जाने, मैं समझ सकती हूँ कि बात ये बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन आप जैसे भी इसको हमारे श्रोताओं तक समझाना चाहे, क्योंकि ये हमेशा सवाल खड़ा उठता है कि आखिर अछूत बने तो बने कैसे। हाँ जी। हाँ ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत कमाल की बात है जी। आम आदमी को इसके बारे में जानकारी नहीं है। हाँ जी। जो ब्राह्मण की व्यवस्था के खिलाफ सबसे ज्यादा लड़ा और उसने लड़ाई कभी बंद नहीं की, उसी के साथ सबसे ज्यादा बुरा व्यवहार हुआ जी। उसी को एक नंबर का दुश्मन माना गया। ये अशूत लोग है ना जो जी, ये आज भी क्यों लड़ रहे हैं? आज भी बैकवर्ड का आदमी नहीं लड़ रहा जी। जब मंडल कमीशन आया तो मंडल कमीशन तो बैकवर्ड का था, हाँ जी, पछड़ी जाति का था, 3743 पछड़ी जातियां तो जो थी उनका था, वो 52% थी, और उसके लिए लड़ कौन रहा था? हम अछूत लड़ रहे थे बिल्कुल। मगर जब मंडल आया, उसका सवाल आया, जब बीपी सिंह की सरकार में मंडल कमीशन को लागू किया गया थोड़ा सा, तो उसका विरोध किसने किया? बैकवर्ड क्लास ने जी, यानी अपने अधिकार के खिलाफ पिछड़ी जाति ने लड़ाई लड़ी, आग लगाई, पूरे देश को जलाया। अब आप बताओ कि जो खुद के अधिकार के खिलाफ लड़ता है वो क्या इस व्यवस्था के लिए खतरा है, या वो आदमी खतरा है जो मंडल के भी लिए मंडल के लिए भी लड़ता है, पछड़ी जाति के लिए भी लड़ता है, आदिवासी के लिए भी लड़ता है, भारत की औरत के लिए भी लड़ता है, और खुद के बुनियादी अधिकारों के लिए भी लड़ता है, क्या खतरा उससे है, या फिर उस आदमी से जो अपने अधिकारों के भी खिलाफ आग लगाता है? अब ज्यादा लड़ने वाला कौन हो गया? अछूत जी। और उसमें 11 आदमी मरे। अब जब लड़ने वाला बुद्धा के पीरियड से बाद जब राजा भरद्वाज को मारा गया जी, उसके बाद जो भी लड़ा, जिसने भी ज्यादा लड़ाई की, जिसने भी व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की, जिसने व्यवस्था को नहीं माना,
उसी को अछूत घोषित कर दिया गया, चाहे वे हिस्टोरिकल कांड और भी है इसमें, मगर ये अछूत लोग वो लोग हैं जो शुरू से रेड बेट से लड़ते आए, कभी नहीं रुके, तब भी लड़ते आए जब मौर्य वंश खत्म हो गया, तब भी लड़ते आए जब मुसलमान का राज आया, मुगल का राज आया, और तब भी लड़ते रहे जब अंग्रेज का राज आया, और आज भी वही लोग सबसे आगे लड़ रहे हैं, और जो लड़ रहे हैं उसी के साथ तो दुश्मनी होगी, बिल्कुल उसी को नीचा गिराया जाएगा जी। उसको गंदगी उठाने के लिए कहा जाएगा, उसी को मरे हुए पशु उठाने के लिए कहा जाएगा, उसी का घर छीन लिया जाएगा, उसकी बहू बेटी छीन ली जाएगी, और जिनको बस्ती से बाहर निकाला जाएगा। यही कारण है इस सूत को ब्राह्मणी व्यवस्था ने संभाल कर रखा, और जो उसके खिलाफ लड़ा उसको घर से नहीं गांव से भी निकाल दिया, बस्ती से निकाल दिया। ये है इसकी इसकी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसमें जब हम बात करते हैं ये जो अछूतपन है या समानता का अधिकार के लिए बाबा साहब हमें बात करते थे कि धर्म परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है, और उन्होंने धर्म परिवर्तन भी किया, एक एग्जांपल बहुजनों के लिए सेट किया था उन्होंने। तो बात यहाँ आती है कि जब उन्होंने बौद्ध धर्म का चुनाव किया या उन्होंने किसी भी धर्म को अपनाया हिंदू धर्म से मुक्ति पाने के लिए, तो यहाँ जो हमारे बहुजन के लोग हैं, बहुजनों ने एक अपना अलग धर्म बनाया है, रविदासिया धर्म जिसको कहते हैं, तो ये कई लोगों के बीच सवाल खड़ा होता है, क्या ये सही है कि एक धर्म के बीच से अलग धर्म निकाल लेना और फिर उस विचारधारा को अनुसरण करना, ये समाज के हित के लिए भी हो सकती है क्योंकि रास्ता एक ही है, मंजिल एक ही है, रास्ता अलग है, या फिर अगर इस तरह से हम रास्ता बांटेंगे तो क्या हम मंजिल से भटक सकते हैं? तो ये जो परंपरा है इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं इस रविदासिया धर्म में जो चला इसका सिलसिला, समाज के साथ बहुत जुड़ा रहा जी, मुझे सारा पता है, पर मैं जो संदेश देना चाहता हूँ वो ये है कि रविदासिया धर्म जो है वो छोटे एक छोटा सा तबका है, बहुत छोटा तबका है जी। अगर छोटे तबके को दुनिया के 2 अरब बौद्धों के साथ मिलाया जाएगा तो मेरे ख्याल में वैसे ही गलत होगा जी। अब दुनिया में तो 2 अरब बौद्ध हैं जी, और 2 अरब बौद्ध पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। बाबा साहब ने वही धर्म अपनाया, और उसमें से अगर रविदासिया धर्म एक एक छोटा सा रूप है जो बाहर निकल गया है, उसका ज्यादा असर नहीं है, उसका सवाल इतना बड़ा नहीं है, उसको इतना बड़ा सवाल बनाना भी नहीं चाहिए जी। वो एक जाति का एक छोटा सा हिस्सा है जी, जिसने वो धर्म बनाया है, और मेरे ख्याल में ये इतना बड़ा सवाल नहीं है, इसको जरूरत नहीं कि हम इसको बौद्ध धर्म के बराबर खड़ा करें, इसकी जरूरत नहीं है जी। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि बाबा साहब का जो भी मिशन रहा था, वो मिशन जो वो बाबा साहब के जाने के बाद वो मिशन थोड़ा सा खो गया था, फिर काशीराम जी के आने के बाद उसी मिशन को, उसी आंदोलन को आगे जाया गया। आज जब हम लोगों में देखते हैं तो जयंती बड़े उल्लास के साथ लोग मनाते हैं, आज जय भीम के नारे लगते हैं। अगर हम महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में जय बाबा साहब को मानने वाले, उनके फॉलोअर, उनके अनुयायी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं। आप क्या लगता है आज के मौजूदा हाल में अगर हम इसी तरह काम करते रहेंगे, यही रास्ता है जिस तरह से हम सामाजिक संगठन बना के काम कर रहे हैं बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाने का, ये सही रास्ता है या इसमें भी हमें कुछ और कमी नजर आती है कि इसी तरह से हम मकसद में पहुंच सकते, मकसद को पा सकते हैं जो समाज की बात करते थे जी? जो रास्ता है जी मिशन का जो चल रहा है, इसको हमने नहीं बनाया जी, ये बुद्धा से चला हुआ है। हाँ जी, ये बुद्धा से भी पहले चला हुआ है जी, मगर जो रिकॉर्ड मिलता है वो बुद्धा से चलता है। लॉर्ड बुद्धा के बाद वही रास्ता सिख लहर में आया,
उसमें सतगुरु नामदेव, सतगुरु कबीर, गुरु रविदास, सतगुरु सैन, गुरु नानक, ये महापुरुष आए। ये वही रास्ता है जो बुद्धा से चला था, उसका रूप बदल गया, नए रूप में यानी नए समय में, अलग समय में इसका रूप बदल गया, और वही रास्ता बाबा साहब ज्योतिरा फूले से चला तो बाबा साहब तक पहुंचा। और बाबा साहब के समय में अंग्रेजी शासन होने के कारण बाबा साहब को मौका मिल गया संविधान लिखने का। संविधान लिखने में बाबा साहब ने जो पुरानी व्यवस्था है, अगर किसी ने संविधान देखा है, अगर किसी ने संविधान पढ़ा है, अगर किसी ने संविधान जाना है, तो वो आसानी से समझ लेगा कि जो व्यवस्था ब्राह्मण की बनाई हुई थी, जाति व्यवस्था थी या वर्ण व्यवस्था थी या ऊंच नीच की व्यवस्था थी या एक को अधिकार एक को नहीं अधिकार की व्यवस्था थी, वो पूरी की पूरी व्यवस्था को बाबा साहब ने संविधान में तोड़ दिया जी। पूरी तरह तोड़ दिया और वो लिखा कि आज के बाद सनातन किस्म की कोई भी रस्म संविधान पर लागू नहीं होगी, ये पूरे आगे संविधान में लिखा हुआ है जी। तो जब हम संविधान पढ़ते हैं तो वहां संविधान एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटीज का जिक्र करता है जी। तो बड़ा स्पष्ट रास्ता हो गया संविधान में एससी पहली बार, एसटी पहली बार, ओबीसी पहली बार और माइनॉरिटीज, इन चार वर्गों का पहली बार संविधान में वर्णन हुआ जी। और यही लोग हैं वो जो 3000 से गुलामी झेल रहे हैं, क्योंकि तो मुसलमान कौन बना ये तो आपको भी पता होगा। हाँ जी, 90% मुसलमान शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी के आदमी है जी। सिख कौन बना, 90% सिख, शूद्र अति शूद्र है जी, ये जाट जाट और बैकवर्ड कास्ट शेड्यूल कास्ट, यही सिख बने ना जी। तो माइनॉरिटी की समझ आ गई जी, एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटी का मतलब क्या होगा कि भारत के 90% लोग एक ही वर्ग के लोग हैं जो गुलाम लोग हैं, जो ब्राह्मणी व्यवस्था में गुलाम है, और ब्राह्मणी व्यवस्था मनुष्य वृत्ति को गुलाम बनाती है, बकायदा जाति लिखकर बनाती है जी। जाति दर्ज है वहां, हाँ जी, शुद्ध दर्ज है, जाति दर्ज है, और वो जाति कौन सी गुलाम है उसका मनुष्य मृति में पूरा वर्णन किया गया है। अब आ गई औरत, औरत जी, औरत तो अभी गीता को पढ़े हम तो गीता में एक श्लोक है जिसका अर्थ बनता है कि औरत और शूद्र दोनों पाप जोनी है, ये तो आपने भी पढ़ा होगा। हाँ जी, हाँ जी। नहीं पढ़ा तो सुना होगा आपने जी, बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो अलग हो गया ना जी, बिल्कुल, शूद्र और औरत। और मनुष्य मूर्ति ने क्या लिखा है कि औरत शूद्र से भी नीचे है। रामायण में क्या लिखा है, रामायण में लिखा है कि अगर औरत को विद्या दी जाए तो सांप को दूध पिलाने के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी गुलाम, बिल्कुल। तो जो गुलाम है बाबा साहब ने उसको नाम दिया एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी। हाँ जी, इनके अधिकार जो है वो भी अलग कर दिए, 25 धारा में माइनॉरिटी का अधिकार है, 340 में ओबीसी का अधिकार है,
341 में शेड्यूल कास्ट का अधिकार है, 342 में एसटी का अधिकार है जी। ये बाबा साहब ने पूरा वर्णन किया है। हाँ जी। तो जो वर्णन संविधान में लिखा हुआ है और जो बाबा साहब ने रास्ता बनाया है वो रास्ता हमारे पुरखों का है, हम तो उसी रास्ते पर चल रहे हैं। हमें तो आजादी चाहिए ना जी, हमें तो जाति से आजादी चाहिए, हमें अपमान से आजादी चाहिए, हमें तो आदमी बनना है। अभी तो हम आदमी नहीं, आप मेरे से बात कर रहे हैं, आज मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, आप एक औरत है, मैं एक शूद्र हूँ, हम तो दोनों शूद्र हैं, मगर तुम बोल रहे हो जी। मैं भी बोल रहा हूँ, ये तो बाबा साहब ने कर दिया, हम सुन रहे हैं तो बाबा साहब ने कर दिया जी। आप अमेरिका में बैठे हो या कनेडा में बैठे हो तो बाबा साहब ने अधिकार दिया, आपको पासपोर्ट का अधिकार भारतीय संविधान ने दिया। इसके बावजूद भी मैं अपने समय का बहुत पढ़े लिखे लोगों में से एक हूं, मगर मेरी जाति तो कभी नहीं गई, मेरा छूतापन तो कभी नहीं गया। मैं जहां भी जाता हूं तो मेरी जाति साथ जाती है, अभी मुझे जाति से मुक्त होना है जी। ये बड़ी लड़ाई तो जाति से मुक्त होने की है जी। 700 जातियां हमारी, पूरे देश में 700 जातियां हमें जी। अभी 700 जातियों में होने का मतलब क्या है, ये आदमी नहीं है। आदमी होते तो बराबरी होती, और मनुष्य मृत्यु में लिखा है कि ये पशुओं के समान है, पशु के समान तो आई क्योंकि तो भेड़ भेड़ होती है, बकरी बकरी होती है, कौआ कौआ होता है, ऊंट ऊंट होता है, गाय गाय होती है, सांप सांप होता है, इसी तरह चमार चमार होता है, धोबी धोबी होता है, तरखान तरखान होता है, जिला जिला होता है। जैसे पशु नहीं मिलते वैसे हम भी नहीं मिलते जी। यही तो जाति धर्म है। अब ये पशु नहीं है, आदमी है, मगर आदमी तो बनना अभी इन्होंने, अभी तो पशु के बराबर है, आदमी तो बनना हमने। तो मैं जब लड़ रहा हूं, जब मेरे जैसे करोड़ों लोग आज सोच रहे हैं भारत में, तो वो तो आदमी बनने के लिए लड़ रहे हैं। हाँ जी, हमारी लड़ाई आदमी बनने के लिए है। तो यही रास्ता है, ब्राह्मणवाद व्यवस्था जो उसकी जाति बात की उसके खिलाफ लड़ना, यही रास्ता एक है जी। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ये जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है ये बुद्धा के समय से चली आ रही है, फिर उसके बाद संतों का आंदोलन हुआ, फिर फुले अंबेडकर आंदोलन हुआ, तो ये इतनी सारी जो प्रतिक्रांतियां हुई है व्यवस्था के खिलाफ, यदि हम बात करें तो सभी की समस्या एक ही है, जिसे हम जातिवाद या ब्राह्मणवाद कहते हैं या मनुवाद कहते हैं, फिर भी लोग आज धर्मों में बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं। अगर हम बात करें अंबेडकरिज्म और सिखिज्म की, तो संतों का आंदोलन भी तो ब्राह्मणवाद सिस्टम के खिलाफ ही हुआ था, और अंबेडकरिज्म आंदोलन भी वही व्यवस्था का विरोध करता है, वही प्रतिक्रांति। क्या कभी अंबेडकरिज्म और सिखिज्म एक प्लेटफॉर्म पर आकर व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ क्रांति कर सकते हैं? इस बात हम तो लड़ रहे हैं, हम तो लड़ रहे हैं। मैं सिख हूँ ना जी, मैं तो सिख हूँ, अभी मैं बोधी बन गया हूँ, मगर मैं तो जन्म से सिख हूँ। मेरा पिता सिख था, मेरा बाबा सिख था, मेरा परदादा सिख था, हम गुरु गोविंद सिंह के समय से सिख बन गए, तो आज भी हम सिख हैं, हम बोधी भी हैं, हम अंबेडकर भी हैं। ये लड़ाई तो ये बाबा साहब क्या कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं कि मेरे तीन गुरु हैं, भगवान बुद्ध, संत कबीर और ज्योतिरा फुले जी। मेरा ख्याल है एक ही बात आपका जवाब है पूरा। हाँ जी, कि भगवान बुद्ध मेरे गुरु, उसके बाद संत कबीर मेरे गुरु, और उसके बाद ज्योतिरा फुले मेरे गुरु। अभी तीन क्रांतियां हुई भारत में, तीनों क्रांतियों को इकट्ठा किया बाबा साहब ने और कहा कि मैंने इनसे सीखा है। और हम क्या कहते हैं कि भगवान बुद्ध हमारे गुरु,
संत हमारे गुरु, बाबा साहब ज्योतिराव फुले हमारे गुरु, बाबा साहब हमारे गुरु जी। अभी तो हम मर्द हो रहे हैं सभी, अभी बैकवर्ड भी मर्द हो रहा है, बहुत भी मर्द हो रही है। जैसे जैसे सिखों को समझ लगेगी तैसे तैसे हम करीब आएंगे। ये समस्या हमारी नहीं है जी, सिखों के साथ आने की हमारी समस्या नहीं है, ये सिखों की समस्या है जो जातिवाद को मानते हैं, जो ब्राह्मणवाद को मानते हैं, जो हिंदू के सारे त्योहार करते हैं, जो तिलक भी लगा लेते हैं, होम यज्ञ भी कर लेते हैं, रामायण पाठ भी कर लेते हैं, और गुरु ग्रंथ साहब के पास भी बैठते हैं, पंखा भी लगाते हैं गुरु को, हीटर भी लगाते हैं, उसके ऊपर जाई भी देते हैं, ये सब क्या है? ये नारियल भी रखते हैं, तलियां भी बजाते हैं, कभी कभी शंख भी बजा लेते हैं, और थाली में रख के दीये भी रखकर आरती भी कर लेते हैं। अब समस्या तो सिखों की है, हमारी तो समस्या नहीं है ये जी। हम तो गुलाम लोग हैं, सिखों गुलाम तो नहीं है ना जी। हर सिख कितना गुलाम नहीं, जितने हम गुलाम है। तो जो आदमी सिख है ये उसकी समस्या है कि वो कितनी देर में बाबा साहब अम्बेडकर को और कितनी देर में गुरु ग्रंथ साहब के सिद्धांत को और बाप भगवान बुद्ध को समझता है। जब वो समझ जाएगा, हमारे बहुत सारे साथी समझ गए हैं और साथ चल रहे हैं जी। अभी आज बाबा साहब का जन्मदिन था, हम सभी इकट्ठे बैठे थे जी। हम तो सिख ज्यादा थे वहां, और ज्यादा जातियां इकट्ठी हुई थी, उसमें हमारी बच्चियां भी थी, औरतें भी थी, छोटे छोटे बच्चे भी थे, और हमने 5 घंटे बाबा साहब पर बोला, अकेले अकेले बोला, सभी ने बोला जी। और जो सिख थे उनको समझ लगी, वो भी बोले। तो इसका मतलब क्या है कि हमें सभी ने आदमी बनना है जी। अभी आदमी बनने की समस्या हमारी जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बाबा साहब जो धर्म परिवर्तन की बात करते थे, तो आज जब हम शेड्यूल कास्ट को देखते हैं जो 16.6% है, और अगर बात हम अदर कम्युनिटी की अगर छोड़े, अगर हम एसटी ओबीसी को ना लेके सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट की ही बात करते हैं जिनकी सबसे बड़ी समस्या है, आज भी ये 16.6% लोग हिंदू कहलाते हैं। तो बाबा साहब का जो परम उनकी जो मिशन था, उनकी जो विचारधारा थी कि धर्म परिवर्तन जरूरी है ताकि इस हिंदू धर्म के शब्द से मुक्ति मिल सके, वो आज भी बहुत बड़े पैमाने पर अधूरी है। लोग क्यों इतने दूर हैं, अगर हम बात करें अपने आप को इस परंपरा से, गुलामी से आजादी दिलाने के लिए इतने दूर क्यों है? इसका कारण क्या है? जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा गली में निकलता है, तो पूरे देश में, वो पूरी दुनिया में जो वो उसको समझ लगती है, जो सीखता है वो कहाँ से सीखता है? गली से, मोहल्ले से, गांव से। जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे बड़ा क्षेत्र उसका हो जाता है। अगर उस क्षेत्र में हिंदू धर्म का प्रचार ही होता हो, हिंदू की रीत चलती हो, तो वो ही सीखेगा वो। भारत का मीडिया पूरे का पूरा हिंदू मीडिया है, ये तो आप मानेंगे। हाँ जी, हाँ जी। मैं भारत के मीडिया को लोगों का मीडिया नहीं मानता, ये हिंदू मीडिया है। अब हिंदू मीडिया सबसे ताकतवर मीडिया है, वो तो हमारे बेड में है, झोंपड़ी में भी है, वो हमारे लोगों की झोंपड़ी में भी चला गया है, और वो 24 घंटे चलता है। हमारा आदमी, हमारी औरत, हमारा बच्चा, हमारी बच्ची, हमारा बुजुर्ग उसी मीडिया को देखता है, उसी को सुनता है, उसी पर हजारों साधु आते हैं, और उसी पर हिंदू के त्योहारों की महीना महीना खबरें चलती हैं। हाँ जी, हाँ जी।
अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा क्या सीखेगा, क्या उस टीचर से सीख के आएगा वो जो रोज उसको अंग्रेजी पढ़ाता है, हिंदी पढ़ाता है, पंजाबी पढ़ाता है, लॉ पढ़ाता है या साइंस पढ़ाता है, क्या उससे सीखेगा वो तो सबसे मुश्किल काम कर रहा था जी। अब आसान काम क्या है, वो तो टीवी पर आसान काम कर, फिल्म इंडस्ट्री सबसे आसान काम करती है, ये जितने सीरियल चलते हैं रामायण महाभारत चाणक्य जय हनुमान जय माता दी जय दुर्गे ओम नमो शिवा, इससे हम सीखते हैं जी। हमारा बच्चा इसी से सीखता है। अभी बच्चों के लिए इन्होंने वो कार्टून बना दिए हैं रामायण के महाभारत के, अब उनके पास पैसा है, उनके पास टीवी है, उनके पास एंकर हैं, उनके पास पत्रकार हैं, पत्रकार और एंकर जो टीवी पर बैठते हैं वो 99% या तो ब्राह्मण हैं या खत्री हैं या भैंस हैं, इसमें दलित कहाँ है, एक आदमी दलित है, एक आदमी, मुझे पता चला कि एक आदमी दलित है और उसकी बुरी हालत कर दी गई। अब बताओ असर किसका चलेगा, जिसके मेले चलते हैं, और मेले किसके लगते होते हैं, जो जीता जीता है उसके मेले होते हैं, कभी गुलामों के मेले देखे आपने, गुलामों की तो मंडी लगती है ना, मेला नहीं लगता, गुलामों की मंडी लगती है। जब अमेरिका में गुलामों की मंडी लगती थी, जब उनको जंजीरों से बांध कर रस्तों पर हजारों को पकड़कर पशुओं की तरह लगाया जाता था, तब एक मोची का लड़का इब्राहिम लिंकन, मोची का लड़का था, उसने क्या कहा कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं ये जंजीरें तोड़ दूंगा, मगर ये देश भारत है, हाँ जी, यहाँ तो गुलाम बनाने के लिए बहुत बड़े साधन हैं, जिनके पास सत्ता है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास जमीन है, जिनके पास रेलगाड़ी है, जिनके पास जहाज है, जिनके पास पूरा व्यापार है, वही लोग तो देश के मीडिया को चलाते हैं जी। अब मीडिया मेरे हाथ में नहीं है, दलितों का मीडिया कहाँ है, बिल्कुल बिल्कुल, पिछड़े जातियों का औरत का मीडिया कहाँ है, चलो बड़ी बात करें हम, 60 करोड़ औरतें भारत की, उसका मीडिया कहाँ है, हाँ जी, वो तो पूजा करती है हर रोज, सबसे ज्यादा पूजा वो करती है, क्यों, तो वो टीवी के सामने बैठती है रोज, हाँ, वो रोज सीरियल देखती है, वो रोज कुंभ का मेला देखती है, वो साधु संतों के प्रवचन घर में बैठकर सुनती है जी। अब माँ ऐसी है तो बच्चा कैसा होगा, हाँ जी, तो हम कहाँ से जाए, कहाँ किधर जाए, लड़े भी तो कैसा लड़े, हमारी तो समस्या ही समस्या है जी, हमारे सामने तो पहाड़ है, हम पहाड़ को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं जी, लगे हुए हैं लोग, मगर पहाड़ इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होता ना, हाँ जी बिल्कुल, बहुत देर लगेगी जी हमारे जीवन की बात, हमें विश्वास ऐसा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस पहाड़ को उखाड़ने के रास्ते खोल दिया हमारे, बाबा साहब के मुकाबले का आदमी दुनिया में नहीं है कोई, अगर मेरे से पूछे कोई जी। अगर मैं बाबा साहब की व्याख्या करूं तो मैं संसार के सभी बड़े आदमियों को पढ़ा, मैंने दुनिया के सभी इनकलाबी लोगों को मैंने पढ़ा है, मगर जैसे बाबा साहब यहाँ तक आए वैसे कोई दुनिया का आदमी ऐसे नहीं आया, उस आदमी को चलती हुई गाड़ी से बाहर मारा, उस आदमी को पानी नहीं देता था स्कूल में कोई, उस बच्चे के पास कपड़े नहीं होते थे, उसके बच्चे के पास रोटी खाने के लिए नहीं होती थी, मगर वो पढ़ा और बड़े बड़े लोगों से लड़ा, लड़ने के बाद जब संविधान उसके हाथ में आया, उसने काबिलियत पैदा की संविधान लिखने की, और उस आदमी ने जैसा संविधान लिखा है, अगर मुझे मौका मिले
तो मैं कम से कम लगातार उसी सिद्धांत पर 100 पुस्तकें लिख सकता हूँ जी। इतनी बड़ी उस आदमी की काबिलियत थी। तो बाबा साहब ने हमें यहां तक ले आए कि मैं एक गांव का अछूत एक अच्छे अहदे पर गया, अच्छी नौकरी लगा, घर बनाया, सहूलतें बनाई, मगर मैंने अपना वो जीवन भूला नहीं कभी जी। मैं अपनी माँ को कभी नहीं भूला, मैं अपनी बच्ची को कभी नहीं भूलता, मैं अपने लोगों को कभी नहीं भूलता, मैं बाबा साहब को कभी नहीं भूलता जी। और जिस चीज ने हमें सताया है हजारों वर्ष, मैं इसको मन से कभी पसंद नहीं करता जी। यही कारण है कि हम लड़ रहे हैं। हाँ जी जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक लास्ट सवाल मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी कि जब आपने भी इस बात का जिक्र किया कि जो समस्या है समाज में जाति प्रथा की, वो आज भी चली आ रही है और ये जाति प्रथा की एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो ऐतिहासिक समय से चली आ रही है। बाबा साहब ने जाति प्रथा के लिए क्या कहा था, वो उनका क्या मानना था कि जाति प्रथा को कैसे खत्म किया जा सकता है? बाबा साहब ने बड़ा साफ लिखा हुआ है जी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उनकी बहुत कमाल की पुस्तक है, हम उसे ग्रंथ मानते हैं जी। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब का धर्म का ग्रंथ है और उसमें उन्होंने क्लियर किया है कि जाति कुछ भी नहीं है, जाति मानसिक रोग है। अगर आदमी चाहे तो एक सेकंड में जाति से बाहर निकल सकता है, एक सेकंड में जी। ये मानसिक रोग है, ये मनोरोग छोड़ना है। तुम जाति नहीं चाहते तो फेंक दो इसको। ये बाबा साहब ने कहा है कि वर्ण और जाति व्यवस्था को ब्रूत से उड़ाना होगा, जैसे भगवान बुद्ध ने और गुरु नानक ने उड़ाया। ये बाबा साहब के वो बयान है जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखे हुए हैं। जब गुरु गोविंद सिंह 1699 को 13 तारीख की बैसाखी को या 14 की बैसाखी को मंच पर खड़े थे तो उन्होंने एक सेकंड में जाति को पांव में रगड़ दिया, बल दिया उसका। क्या किया, एक अमृत बनाया, 5 आदमी खड़े हैं, 5 प्यारे खड़े हैं, तो वो अमृत का बाटा पहले एक जाति के मुंह पर लगा दिया, फिर वही बाटा दूसरी जाति के मुंह पर लगा दिया, 5 आदमियों ने वही बाटा अमृत वाला मुंह से लगाया और घूंट घूंट अमृत पी लिया, और वही झूठा अमृत गुरु साहब ने खुद पिया, वो एक मिनट में जाति खत्म हो गई। हाँ जी। हजारों वर्षों बाद 1414 अप्रैल या 13 अप्रैल 1699 को गुरु जी ने एक मिनट में जाति को पांव के नीचे दरड़ दिया जी। हजारों वर्षों बाद एक दूसरी जाति का जूठा अमृत सभी ने पी दिया और उसके बाद हमारे बाप दादा भी आए, उन्होंने भी यही किया और उसके बच्चे हम आए जी। ये तो मनोरोग है, छोड़ दोगे तो टूट जाएगा जी, मगर इसके खिलाफ प्रचार तो करना पड़ेगा ना। हाँ जी, संघर्ष तो करना पड़ेगा बिल्कुल। तो इसकी एक उदाहरण दे दूं मैं, समय हो रहा है मेरा कहला जी? बिल्कुल, आप 5 मिनट है डॉक्टर साहब, आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, तो ये पूरे भारत में मैं घूमता हूँ मगर पंजाब में छुआछात नहीं है जी। आज पंजाब में छुआछात नहीं है, मेरे बचपन में बहुत छुआछात थी मगर आज पंजाब में कोई छुआछात नहीं है जी। इसका मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ का धर्म जो गुरु ग्रंथ साहब का धर्म है वो किसी को जाति और छुआछात करने की आज्ञा नहीं देता, ये मूल कारण है इसका।
जी, कि सिख को गुरु आज्ञा नहीं देता कि वो जाति माने, सिख को गुरु आज्ञा नहीं देता कि वो छुआछूत करे। जी, और पंजाब में सबसे पहले छुआछूत खत्म हो गई, मगर बाकी संसार में जो पूरा देश है उसमें खत्म नहीं हुई। अभी मैं एक बात और बताऊंगा आपको, कि इंग्लैंड में जब जाति के खिलाफ इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने बिल पास किया, तब उसका विरोध लिखती रूप में सिखों ने किया। जातिवादी सिखों ने उसके खिलाफ लिख के दिया पार्लियामेंट को कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए। जी, ये समस्या आ गई ना। हाँ जी, वही समाज है जहाँ छुआछूत खत्म होगी, और वही समाज है जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट को लिख के देता है कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए। पता नहीं कितनी समस्या हमारे पैर पर हम लड़ते हैं, जूझते हैं, मरते हैं, हम रोज मरते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ जी, हर पल मरता हूँ मैं, क्योंकि ये मेरा देश है जो इसको जाति ने बर्बाद कर दिया है। जाति ने इस देश के हर आदमी का, हर औरत का अपमान कर दिया है, बिल्कुल। और ये अपमान जाता नहीं, ये रगों में समा गया है, लहू में समा गया है। अभी तो लहू बदलना पड़ेगा। हाँ जी 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 डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब समय भी हमारा समाप्त हो चुका है, पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो जानकारी आज आपने श्रोताओं तक पहुंचाई है बहुत बहुमूल्य जानकारी है। उस आप हमारे साथ रेडियो वॉइस ऑफ खालसा पे जुड़े, अपने विचार साझा किए, उसके लिए पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको भी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि बाबा साहब के जन्मदिन पर आपने मुझे बुलाया और मैंने अपने लोगों के साथ बात की। ये तुम्हारा बहुत बड़ा कर्म है कि आपने भी अपने समाज के लोगों का साथ दिया, और इसी के साथ मैं बाबा साहब के जन्मदिन पर बधाई देते हुए आप सभी को जय भीम जय भारत नमो बुद्धा कहता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। श्रोताओं, दोबारा फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, वाहेगुरु जी का खालसा।